बॉटनी डिपार्टमेंट के पुराने गुरचरण सिंह जी फोटोग्राफर वहाँ के मुझे मुद्दतों बाद मेरी योगा क्लास में इस रायन स्कूल के पीछे वाले पार्क में इनसे मुलाकात हुई। आज ये 80+ है, 83, और आज का मौका यह है कि इनको भारतीय योग संस्थान ने काफ़ी शोर शराबा है, खूब हंसी हो रही है, योगा हुआ है, एक्सरसाइज हुई है इस पार्क में, इनको सम्मानित किया भारतीय योग संस्थान ने। तो मुझे मेरे दिल ने कहा कि ऐसे वेटरन जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पुराने साथी हैं मेरे और आज की भारतीय योग संस्थान की क्लास में मेरे क्लासमेट हैं, तो इनसे थोड़ी सी बातचीत की जाए। गुरुचरण जी, कुछ इस योग से कब से जुड़े हैं आप? मैं योग से सर 3 साल हो गए। 3 साल से? तो पूरे सभी आसन आपको बढ़िया से आते हैं? नहीं जी, सारे तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं लेट उम्र में यही शुरू की है। बचपन में अगर करता तो शायद मैं सारे कर लेता, लेकिन फिर भी मैं तकरीबन 90% कर लेता। आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर सेक्टर 50 में। 50 सेक्टर से गुरचरण जी हर रोज इस साइकिल पे आते हैं और साइकिल एक तरफ खड़ा करते हैं, फटाफट अपना योगासन जो इनके साइकिल के करियर पे दिख रहा है इसको बिछाते हैं और योगासन करते हैं महानंद शुक्ला जी की योगा क्लास में। कल जब पूरे ग्रुप ने गुरचरण जी को सम्मानित किया, वो जो मेमेंटो इनको भारतीय योग संस्थान ने दिया था वो शुक्ला जी के हाथ से इनको दिया गया, तो 3 साल से योगा करना और इस उम्र में ये फिटनेस रखना, साइकिल पे 50 सेक्टर कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर आना, 1.5 किलोमीटर जाना। ये एक सबक है सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए कि फिटनेस थोड़ी सी मेहनत मांगती है, थोड़ी सी कसरत हल्की फुल्की मांगती है, और वज़न कम होने से फिटनेस ठीक बनी रहती है। फिटनेस ठीक बनी रहती है। तो आपका जीवन पंजाब यूनिवर्सिटी में ही शुरू हुआ? हाँ। आपने फोटोग्राफी कहाँ कब सीखी? मेरे ताया जी फोटोग्राफर थे। कहाँ पे? वो कराची में थे। कराची में? हाँ, ताया जी में आए थे वो। हाँ। और वो आते ही उन्होंने मुझे पहली अप्रैल को ताया जी का शुभ नाम देवी सिंह। वो कराची में कहाँ प्राइवेट फोटोग्राफी थी या कहीं? नहीं, दुकान थी जी। अच्छा, उनकी फोटोग्राफी की दुकान थी। हाँ जी। ये बहुत रोमांचक है ये जानना। हाँ जी। कि कराची के एक प्राइवेट फोटोग्राफर का भतीजा, आज़ादी के बाद आप तो आज़ादी से पहले ही पैदा हुए। हाँ जी। जब आज़ादी हुई तब आप कितने साल के थे? मैं 5 साल का था। मेरा डेट ऑफ बर्थ था 24 अक्टूबर 1942। हाँ, सैटरडे तो 8:30 बजे। तब तो ये आपका जन्मदिन भी आने वाला है। हाँ, अभी यहाँ पे मनाया जाएगा भारतीय योग संस्थान में कि इस कक्षा में। तो आपने किस उम्र में फोटोग्राफी सीखी? मैंने सर FSC के बाद फोटोग्राफी शुरू कर दी थी। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? FSC तक। FSC तक।
एफएससी कहाँ से की थी? एसडी कॉलेज शिमला से। एसडी कॉलेज शिमला से, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में कब आया आप? मैं आया ये 9 अक्टूबर 1964। देखिए मेमोरी, देखिए आजकल कितनी लोग भुलक्कड़ हो जाते हैं, ये इनकी फिजिकल फिटनेस का कारण है कि इनको दिन डेट और सभी याद हैं। टाइम भी बता दूं, 11 बजे ज्वाइन किया। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी पीआरजे नायडू। अच्छा, पीआरजे नायडू साहब के पास? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एम आर सानी साहब को भी देखा था आपने? हाँ जी देखा था, और इंटरव्यू तो उन्होंने दिया था मेरा। अच्छा, क्योंकि अच्छा। रिटायर ही हुए थे और सानी साहब बने ही थे, इसलिए अच्छा। इंटरव्यू के उन्होंने दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, जियोलॉजी डिपार्टमेंट का इतना पुराना हमारा साथी, पंजाब यूनिवर्सिटी का इतना पुराना साथी, सुबह सुबह हमारे योग क्लास में हमारे साथ हो, और हमें धीरे धीरे करके पता लगे कि कितना पुराना इतिहास है गुरुचरण जी का। और बॉटनी में आप कब से कब रहे? मैं बॉटनी में आया था जी 9 अक्टूबर 66 ऐसा साल है जब मैंने जियोलॉजी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था एज ए स्टूडेंट। तो और बॉटनी से कब रिटायर हुए आप? बॉटनी से रिटायर हुआ जी मैं 2002 के 31 28 फरवरी। आपके पास अभी भी कैमरा है? आप फोटोग्राफी पुराने कैमरा से करते हो कि ये मोबाइल कैमरा से? नहीं सर, मोबाइल तो मुझे नहीं सूट करता। कौन सा कैमरा आपके पास? मेरे पास अभी तक उसका है, बिल्कुल नाम मैं भूल गया जी, और कभी कभी यूज़ करता हूँ, है जापान का बना हुआ है, जापानीज कैमरा है। हाँ, तो फिल्म उसमें डालते हो? नहीं सर। फिर उसमें कार्ड डालते हैं। जापानीज कैमरा? अच्छा, वो डिजिटल कैमरा है? हाँ जी, डिजिटल कैमरा। अच्छा अच्छा, डिजिटल कैमरा है जो आपने ऑब्वियसली अभी पिछले 10-12 साल में या 20 साल में खरीदा होगा? हाँ, मैं 2012 में खरीदा सर। याद नहीं है। अच्छा, फोटोग्राफी में भी आपको कुछ अवार्ड्स मिले होंगे? नहीं सर, फोटोग्राफी में अब आप कंपटीशन नहीं करते? पर फोटोग्राफी में नेचर की फोटोग्राफी करते हैं या घर में फोटोग्राफी करते हैं उस कैमरा से? नहीं सर, आजकल तो मैं कुछ नहीं करता। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं जो फोटोग्राफी की थी वो उसमें फोटो माइक्रोग्राफी को मैंने किसी को आगे नहीं निकलने दिया। अच्छा, फोटो माइक्रोग्राफी करते थे आप? फोटो माइक्रोग्राफी करते थे, मेरे पास माइक्रोस्कोप थी, सब कुछ थी जो रखा हुआ था। अच्छा, कैंपस में आपका सारा जियोलॉजी डिपार्टमेंट मेरे पास आता था, और जुआलॉजी, जियोलॉजी और जुआलॉजी एंड जियोलॉजी ऑफ क्षेत्र यूनिवर्सिटी, और बॉटनी, जुआलॉजी और वो पंजाबी यूनिवर्सिटी और हिमाचल यूनिवर्सिटी, ये सब मेरे पास आया करते थे। सलाम ऐसे जज्बात को और ऐसी फोटोग्राफिक टैलेंट को। गुरचरण जी, आपको भगवान 100 साल तक, ये 100 के ऊपर की उम्र दे, और यही फिटनेस आपकी रहे। बहुत बड़ी प्रेरणा है ये जो आपने बताई, और मैं इसको अपने YouTube चैनल पे डालूंगा और स्टॉक्स पे, और आपके साथ शेयर करूंगा, और कल फिर मिलते हैं योगा की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।